महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होती जा रही है। हाल ही में राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। राउत ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाकिया लहजे में कहा कि फडणवीस को कोई विशेष खतरा है तो उन्हें साफ करना चाहिए। राउत ने कहा कि हमारे गृह मंत्री इतने डरे हुए क्यों हैं? उन पर कौन हमला करना चाहता है? क्या इसराइल या लीबिया उन पर हमला करने वाले हैं? उन्हें सबको इसके बारे में बताना चाहिए। दरअसल देवेंद्र फडणवीस को वर्तमान में जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। इसमें उनकी सुरक्षा के लिए नागपुर में अतिरिक्त फोर्स वन कमांडो तैनात किए गए हैं। इस पर राउत ने दावा किया कि शहर में लगभग 200 फोर्स वन कमांडो तैनात किए गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि गृह मंत्री जो एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने अचानक अपनी इतनी सुरक्षा क्यों बढ़ा दी है? जो शख्स दूसरों की रक्षा का फैसला करता है, उसने खुद की सुरक्षा बढ़ाई है। अचानक हमने उनके घर के बाहर फोर्स वन कमांडो देखे हैं। संजय राउत ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला पर भी निशाना साधा और उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने के पीछे का कारण बताने का आग्रह किया। शुक्ला को भाजपा के डीजीपी बताते हुए राउत ने आरोप लगाया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति पक्षपात दिखाया है। खासकर 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान यूबीटी शिवसेना के नेता ने आरोप लगाया कि उन्होंने हमारे फोन टैप किए और फडणवीस को संवेदनशील जानकारी प्रदान की। इससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। राउत ने अपनी टिप्पणी में महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के अधिकार पर भी सवाल उठाया और कहा कि आयोग ने कहा है कि उन्हें शुक्ला को स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने झारखंड की एक हालिया मिसाल का जिक्र किया, जहां राज्य चुनाव से पहले एक डीजीपी का तबादला कर दिया गया था। उन्होंने सवाल किया कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कदम क्यों नहीं उठाया जा सकता। राउत ने सवाल किया कि क्या हम उनसे निष्पक्ष चुनाव करने की उम्मीद कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि चुनावों का नियंत्रण उनके हाथ में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उनकी ये आलोचना महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की ओर से गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र भेजकर शुक्ला को हटाने की मांग करने के बाद आई है। कि इस राज्य के गृह मंत्री है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, अचानक अपनी सुरक्षा व्यवस्था खुद ही बढ़ा रहे हैं। गृह मंत्री दूसरों को सुरक्षा देता है, लेकिन ये गृह मंत्री जो है अपनी खुद की सुरक्षा बढ़ा देता है अचानक से। हमने देखा उनके घर के बाहर फोर्स वन कमांडोस खड़े हैं, 200 कमांडोस खड़े हैं नागपुर में। वो जहां जा रहे पूरा घेर लिया उनको। तो ये हमारी चिंता है कि हमारे राज्य के गृह मंत्री को किससे धोखा निर्माण हो गया है, क्या उनको जान को खतरा है, लेकिन किसके तरफ से धोखा है हमको ये समझना चाहिए। इस राज्य की जनता को समझना चाहिए कि हमारे गृहमंत्री इतने डरे हुए क्यों है, उनके ऊपर कौन हमला करना चाहता है, ये किसकी साजिश है। हमें बताइए कि अचानक से फोर्स वन के कमांडो के घेरे में हमारे गृहमंत्री घूम रहे हैं, क्या हुआ है? क्या उनके ऊपर इसराइल हमला करने वाला है, लीबिया हमला करने वाला है, कौन करने वाला है? मुझे यूक्रेन के लोग आने वाले हैं, युद्ध होने वाला है उनके साथ, बताइए ना, बताने में क्या है? रश्मि शुक्ला जो है भारतीय जनता पार्टी की डीजी, उसने तो बताना चाहिए कि भाई क्या है ये। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की सुरक्षा पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। कल लोग खुलेआम पुणे की सड़कों पर बंदूक लेकर घूम रहे थे। बदलापुर में एक जघन्य अपराध किया गया, स्कूल के लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं भाग गए और आपने देखा होगा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कैसे की गई। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, मगर फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाई गई। इसलिए डीजीपी को हमें बताना चाहिए कि उनकी सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है। देखिए, महाराष्ट्र वासियों के पास कोई सुरक्षा नहीं है। कल खुलेआम पुणे के रास्ते पे लोग गन लेकर घूम रहे हैं। हमारी बदलापुर की बेटियों के ऊपर घिनौना कांड होता है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो स्कूल के लोग हैं वो भाग जाते हैं। और आपने देखा होगा किस तरीके से बाबा सिद्दीकी जी की दिन दहाड़े हत्या हुई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र वासियों के लिए सुरक्षा नहीं है, पर इनकी सुरक्षा बढ़ रही है। तो ऐसा क्या सेट परसेप्शन है जिसके चलते ये बढ़ाई गई है?
तो डीजीपी हमें बताएं, डीजीपी जो हैं रश्मि जी, उनकी तो काफी उसमें एक्सपीरियंस रहा है लोगों के स्नूपिंग करने में और सिक्योरिटी डिटेलिंग में, तो बताएं ऐसी क्या उनपे आपदा आई हुई है कि फोर्स वन की सिक्योरिटी भी आज उनको दी गई है, तो आज जो खुद अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं पर महाराष्ट्र में असुरक्षा जो बढ़ रही है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसका हम क्या ही कहें। आखिरी प्रचार रैली है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, वो जनता के बीच में दिख ही रहा है कि जिस तरीके से एक माहौल बनाया हुआ है महालूट का, महाभ्रष्टाचार का, और कॉन्ट्रैक्टर की पूरी सरकार चल रही है, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर सरकार चल रही है, अदानी के ऊपर सरकार चल रही है, उस सबका खत्म होने वाला है, तो कितना भी प्रचार कर ले जनता उनके साथ रहने नहीं वाली है, ये जानते हैं हम। पटोले ने अपने पत्र में शुक्ला पर विपक्षी दलों के खिलाफ साफ पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने हाल के हफ्तों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ राजनीतिक हिंसा में वृद्धि की और इशारा किया। महाराष्ट्र में चुनाव पक्षपाती पुलिसिंग और सुरक्षा मुद्दों के आरोपों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। विपक्षी नेता राज्य में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से निष्पक्षता और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की 228 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए करीब 8000 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है। चुनाव 20 नवंबर को होंगे और 3 दिन बाद वोटों की गिनती होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।